उनमें कैसे कन्वर्जन होता है वो कैसे कन्वर्ट होती है ठीक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्जन मीन्स क्या जो मैटर की स्टेट है उसमें क्या होना चेंज होना ठीक है द फिनिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनादर एंड देन बैक टू ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है बच्चों क्या फिनामिना है कि कोई एक स्टेट है मैटर की जैसे सपोज सॉलिड है उससे उसकी स्टेट चेंज हो जाना ठीक है जैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाना ओके और फिर वापस से क्या लिक्विड से वापस उसे हम सॉलिड में चेंज कर दें तो ये क्या हो गया बच्चों ये हो गया इंटर कन्वर्जन ठीक है ना चेंज ऑफ स्टेट क्या है कि सॉलिड स्टेट से अगर लिक्विड हो गई या लिक्विड से गैस हो गई ये क्या हो गया चेंज ऑफ स्टेट ठीक है और अगर मैं कहूँ कि सॉलिड से लिक्विड हुई देन अगेन लिक्विड से क्या हो गई सॉलिड तो वो क्या हो गया बच्चों इंटर कन्वर्जन हो गया ठीक है मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है और इसका बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते दे आ रहे हैं क्या हमारा वाटर जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है ठीक है ना वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ठीक है बच्चों ऑफ मैटर मैटर की तीनों स्टेट हमको वाटर में देखने को मिलती है भाई कौन कौन सी सॉलिड क्या है आइस के फॉर्म में है ठीक है लिक्विड क्या है हमारा वाटर के फॉर्म में है और जो वाटर वेपर है वो किस फॉर्म में है वो है हमारी गैशियस फॉर्म में तो ये गैस स्टेट हो गई ठीक है ना तो तीनों ही स्टेट हो गई है बच्चों देखो सॉलिड एज आइस लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर ठीक है बच्चों अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज कैसे हो रहा है ये सॉलिड स्टेट है अगर इसे हमने हीट किया तो किस में आ गया बदल गया ये लिक्विड स्टेट में ठीक है अगेन इस लिक्विड स्टेट को हमने कूल cool कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया फिर से सॉलिड में तो ये क्या हो रहा है बच्चों इंटर कन्वर्जन हो रहा है ठीक है इसको हम अभी वाटर के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ देखिए ये लिक्विड स्टेट है इसको हमने हीट किया किस में चेंज हो गया गैश स्टेट में वेपर बन गया ठीक है फिर अगेन गैसेस को जब हमने कूल cool किया तो क्या हो गया वो लिक्विड स्टेट में आ गया ठीक है बहुत सिंपल एग्जाम्पल क्या है हमारा वाटर है है ना आप वाटर को फ्रीजर में रखते हैं बन जाती है क्या आइस ठीक है उस आइस को आप रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए भाई आप कहोगे मैम हमने गर्म नहीं किया बट क्या है बच्चों टेम्परेचर तो देखिए कहाँ फ्रीज़र में रखा था अब आप रूम टेम्परेचर पर ले आए तो टेम्परेचर तो आपने बढ़ा दिया ना ठीक है तो वो क्या हो जाती है मेल्ट हो जाती है तो सॉलिड किसने कन्वर्ट हो गया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ठीक है अब इसी लिक्विड को हम और हीट प्रोवाइड करते हैं है ना और हीटिंग करते हैं तो क्या होता है फिर वाटर से क्या बन जाती है वाटर की वेपर्स बन जाती हैं ठीक है फिर अब इसका ऑपोजिट देखते हैं बच्चों जो हमारा वाटर है लिक्विड स्टेट में है ठीक है ना उसको फिर आप रख दीजिए कहाँ फ्रीजर में ठीक है तो टेम्परेचर क्या हो गया कम तो हो जाएगी वो क्या कूल हो जाएगी और बन जाएगी फिर से क्या आइस ठीक है फिर यहाँ पे देखिए जो वाटर की वेपर्स हैं उन्हें भी हम कर सकते हैं क्या कूल ठीक है इसे हम आगे आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस होता है इसे कहते हैं कंडेंसेशन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ठीक है तो वाटर वेपर्स को जब हम कूल करते हैं तो फिर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें वाटर में ठीक है ना तो यहाँ पे गैश स्टेट किस में चेंज हो गई बच्चों लिक्विड में ठीक है तो ये क्या है बच्चों ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है ठीक है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है अब बच्चों एक बात ध्यान दो यहाँ पे जो चेंज ऑफ स्टेट आ रहा है ये आ क्यों रहा है कोई चीज़ तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं ना हाँ तो वो क्या है बच्चों यस टेम्परेचर ठीक है ना तो यहाँ पे किसका इफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर का ठीक है तो वही हम बात करने वाले हैं आगे क्या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ठीक है जो मैटर की जो स्टेट्स हैं उन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो हम समझने वाले हैं ठीक है देखिए बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक एक्टिविटी करते हैं बहुत ही सिंपल सी आप घर पे कर सकते हैं ठीक है टेक अबाउट 150 फिफ्टी ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज कॉन्टैक्ट विद द आइस क्या करना है बच्चों एक बीकर लेना है और उसमें वन फिफ्टी ग्राम ऑफ आइस ले लेना है आइस के क्यूब्स ले लेना है ठीक है फिर क्या करना है उसमें एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर ठीक है बच्चों लेबोरेटरी थर्मामीटर अलग होते हैं हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर अलग होते हैं ये आप सेवेंथ क्लास में पढ़कर आ चुके हैं ठीक है ओके okay. फिर क्या करना है एक थर्मोमीटर इस तरीके से लगा देना है कि जो थर्मोमीटर में बल्ब होता है वो आइस के कांटेक्ट में रहे ठीक है अभी हम पिक्चर से समझने वाले हैं फिर क्या करना है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम उसके बाद बीकर को क्या करना है हीटिंग स्टार्ट करनी है मतलब हम टेम्परेचर को इनक्रीज करने जा रहे हैं ठीक है नोट द टेम्परेचर वेन द आइस स्टार्ट्स और थर्मोमीटर लगाया ना हमने तो क्या करना है भाई टेम्परेचर को नोट करना है कौन सा टेम्परेचर जब आइस ने मेल्टिंग स्टार्ट की है ठीक है पिक्चर में देखिए बच्चों ये बीकर है और इसमें क्या है ये देखिए ये आइस के क्यूब्स हैं ठीक है और ये हमारा क्या है बच्चों ये रहा थर्मोमीटर देखो ये इसका ये दिख रहा है आपको बल्ब है ना ये किसके कांटेक्ट में है ये आइस के कांटेक्ट में है ठीक है फिर क्या करना है बच्चों ये बर्नर से लो फ्लेम से इसको क्या करना है गर्म करना है ओके और हमको वो टेम्परेचर नोट करना है जहाँ पे इस आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है ठीक है नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग ओके आगे देखिए बच्चों क्या करना है नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इन टू वाटर और फिर वो वाला टेम्परेचर नोट करना है जब पूरी की पूरी जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है ठीक है दो टेम्परेचर हमने नोट किए हैं कौन से एक तो पहला जब हमारी आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट किया है ठीक है और दोबारा कब किया है जब पूरी आइस मेल्ट होकर कन्वर्ट हो गई है किस में वॉटर में ठीक है स्टेट चेंज हो गई है ओके okay. अब बच्चों देखिए क्या है हमारे ऑब्जर्वेशन क्या होंगे यहाँ ध्यान देना है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स ये क्या है बच्चों जरा ध्यान से समझिए देखिए जो हमारा सिस्टम का टेम्परेचर है भाई पहले आपने गर्म करना स्टार्ट किया हीटिंग स्टार्ट की तो टेम्परेचर राइज होने लगेगा है ना और एक टेम्परेचर आएगा जब हमारी आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी उसे आपने देख लिया और फिर दूसरा टेम्परेचर आप देखोगे कब जब तक कि पूरी की पूरी जो आइस है वो मेल्ट नहीं हो जाती वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये ये क्या हुआ यहाँ तो कोई टेम्परेचर का चेंज ही नहीं हुआ मतलब जिस टेम्परेचर पे जो हमारी आइस मेल्ट होना शुरू हुई थी ना और जब तक पूरी की पूरी वाटर में चेंज नहीं हो गई तब तक टेम्परेचर सेम है कोई चेंज नहीं आया है ठीक है दोबारा समझिए बच्चों ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों जिस पॉइंट पे हमारी आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है ठीक है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल ऑल द आइस मेल्ट जब तक की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो गई है और मेल्ट होना स्टार्ट हुई है तब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है ऐसा क्यों हुआ हम कंटिन्यूसली इसको हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था ना देखो दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर और हम कंटिन्यू बीकर को हीट कर रहे हैं फिर भी ऐसा हुआ है कैसा कि ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज नहीं हुआ राइज नहीं हुआ इसको समझेंगे हम बच्चों बहुत ही ध्यान से ठीक है अब देखिए हमारा कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम कि ऐसा क्यों हुआ है ठीक है बच्चों देखो एक बात हम प्रीवियस पार्ट्स में समझ कर आए हैं क्या आइस थी क्या सॉलिड ठीक है सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों पास पास होते हैं उनके बीच में फोर्स कैसा होता है अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है आपको पता है और जब ये आइस मेल्ट होकर आ गई किस में लिक्विड में तो पार्टिकल्स दूर हो गए उनके बीच में जो फोर्स था अट्रैक्शन फोर्स वो कैसा हो गया है काम हो गया है ठीक है तो यहीं से हमारी बात निकल कर आएगी बच्चों क्या कि ये जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा ना क्यों ऐसा हुआ हम हीट तो दे रहे हैं तो वो हीट गई कहाँ उस हीट का क्या हुआ उस हीट का बच्चों ये हुआ कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स था ना अट्रैक्शन फोर्स उसको ब्रेक करना था भाई स्टेट को चेंज करने के लिए ठीक है तो वो जो हीट थी वो कहाँ काम में आ गई वो इस फोर्स को ब्रेक करने के काम में आ गई है ठीक है इसलिए क्या हुआ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है क्योंकि हमारी आइस मेल्ट होकर अपनी स्टेट चेंज करके किस में आ रही है वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो देखिए कंक्लूजन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस विच ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड टू अ लिक्विड समझो बच्चों क्या हुआ वही जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया पहले आइस थी ना सॉलिड थी ठीक है जब हमने टेम्परेचर दिया उसको तो क्या हुआ याद करो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की ठीक है तो सॉलिड सॉलिड के पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई बट क्या है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है तो क्या हुआ बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ना इसने क्या किया ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने का काम किया ठीक है इसको ओवरकम करने का काम कौन कर रही है ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है ठीक है बच्चों इसलिए क्या हुआ जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम होगा तो क्या होगा जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के हमारी आइस के वो उनके बीच में अट्रैक्शन कम हुआ तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में लिक्विड में ठीक है वाटर में है ना तो बच्चों यहाँ पे जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ काम आ रही है वो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है और क्या कर रही है ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना इनको ब्रेक करने का काम कर रही है ठीक है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है क्योंकि ये जो हीट थी ये कहाँ काम में आ गई है ये यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको ब्रेक करने के काम में आ गई है ठीक है आगे समझिए बच्चों यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आने वाली है अभी हम पहुँच रहे हैं उस पर ठीक है दिस हीट गेट्स यूज अप इन particles. आ द स्टेट बात ओवरकमिंग ये बिटवीन हीट थी ये किस में काम आ गई है Changing the state, state change में काम आ रही है, है? है? ठीक ठीक बिटवीन द पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए स्टेट चेंज करने के लिए ये जो हीट है ये काम में आ गई है ठीक है भाई जब तक ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं हम ब्रेक करेंगे स्टेट चेंज नहीं हो सकती है ठीक है बच्चों और आगे चलते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट देखते हैं डेफिनेशन at है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है? बहुत सिंपल क्या है टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमोसफियरिक प्रेशर ठीक है ना इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट ठीक है ऐसा पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एक सॉलिड जो है वो उसके एटमोसफियर एक प्रेशर पे आके क्या होता है मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है वो उसका क्या होता है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है ये हमने देख लिया था जहाँ पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगी वो उसका क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ठीक है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन ठीक है बच्चों ये क्या है आइस का मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन में ठीक है केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों ही क्या है बच्चों ये टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट्स है ठीक है ये हो गया बच्चों याद रखना ये भी है ना द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन ठीक है ये भी एक बात क्या बच्चों ये जो प्रोसेस हो रहा है किसका मेल्टिंग का ठीक है यहां पे क्या हो रहा है जो स्टेट चेंज हो रही है कौन सी सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो रही है लिक्विड स्टेट में ठीक है तो इस प्रोसेस का एक और नाम क्या है बच्चों फ्यूजन ठीक है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन ठीक है बच्चों ये हो गई बात ओके आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये बात हमने समझ ली क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है एट द एटमोसफेयरिक प्रेशर ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये जरूर लगाना आप ठीक है इसको भूल जाते हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है ठीक है ना तो क्या है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इट्स कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट ठीक है बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या बात करते हैं देखो जो मैंने आपको कहा था कि जो वो हीट थी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के काम में आ रही थी तो भाई वो गई कहाँ कहीं गायब हुई क्या नहीं वो हमें भी पार्टिकल्स के बीच में ही है ठीक है और किस फॉर्म में है बच्चों हमारे लेटेंट हीट के फॉर्म में है इसे हम समझते हैं ठीक है द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है बिटवीन द मोलिकूल्स और पार्टिकल्स इज़ नोन एज द लेटेंट हीट बच्चों ये लेटेंट हीट क्या है हिडन हीट है हिडन मीन समझते हैं ना हाँ छुपी हुई ठीक है ये हमें दिख नहीं रही है क्यों नहीं दिख रही टेम्परेचर ही नहीं इंक्रीज हुआ हमें क्या पता चलेगा ठीक है बट हीट तो है कैसी है हिडन हीट है कहाँ हिडन है बिटवीन द पार्टिकल्स है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में ही है क्यों है विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही हीट क्या कर रही है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक कर रही है ठीक है तो ये क्या है बच्चों लेटेंट हीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट ठीक है सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर ये जो लेटेंट हीट है ना ये पूरे मैटर में बल्क में क्या है हिडन है ठीक है छुपी हुई है ओके बच्चों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई क्या हमारी ये लेटेंट हीट तो अब आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा था हीट तो हम दे रहे थे ठीक है ना गर्म तो हम कर रहे थे लेकिन ये जो हीट थी ये क्या हो रहा था जो मैटर की स्टेट चेंज हो रही थी ना वहाँ पे काम आ रही थी ठीक है और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या कर रही थी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर रही थी उसको ओवरकम कर रही थी ठीक है तो ये हीट उनमें छुपी हुई थी हिडन थी इसलिए इसे क्या कहा लेटेंट हीट ठीक है लेटेंट का मतलब बच्चों वही है हमारा हिडन से ठीक है तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्या हमारा कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट का ठीक है अब देखिए बच्चों हम क्या बढ़ते हैं आगे बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ठीक है अभी हमने देखा था क्या सॉलिड स्टेट चेंज हो रही है किसमें लिक्विड स्टेट में इसका एक और नाम क्या था बच्चों फ्यूजन था अभी हम देख कर आ रहे हैं ठीक है तो हम क्या बात कर रहे हैं अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है फ्यूजन की लेटेंट हीट क्या है ठीक है बच्चों समझिए द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोसफियर प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझो बच्चों क्या है लेटेंट हीट तो हम समझ गए है ना ये क्या है हिडन हीट है जब स्टेट चेंज हो रही है तो कुछ हीट जो है वो पार्टिकल्स के बीच में हिडन हो गई है ठीक है ये क्या है हमारी लेटेंट हीट है अब मैं कह रही हूँ कि फ्यूजन की लेटेंट हीट क्या है ठीक है तो क्या है बच्चों की हीट एनर्जी रिक्वायर्ड वो वाली एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है किसके लिए टू कन्वर्ट वन किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड कितना सॉलिड है हमारे पास वन किलोग्राम ठीक है इन टू लिक्विड भाई किस में कन्वर्ट करना है लिक्विड में कन्वर्ट करना है यही तो फ्यूजन है ठीक है ना एट एटमोसफेयरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ठीक है मेल्टिंग पॉइंट पे आके ही तो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा ठीक है ना तो वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कब एट एटमोसफेयरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट जितनी हीट ही हमें रिक्वायर होती है वो क्या होती है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है दिस इज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों ये देखिए अब फिर से हम वही एक्टिविटी करते हैं जो हमने अभी की थी है ना थोड़ा सा आप चेंज करेंगे क्या है बच्चों अब हमारी जो आइस थी ना वो किस में कन्वर्ट हो गई है वाटर में कन्वर्ट हो गई है ठीक है हमने मेल्ट कर ली थी सारी उससे अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम ठीक है ना क्योंकि हम स्टेट चेंज कर रहे हैं हमने सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर दी वाटर में कन्वर्ट कर दी ठीक है अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास वाटर है यहाँ पे बच्चों एक ग्लास का स्टेर है।, है ना उसको स्टेर करने के लिए ठीक है ओके और ये हमारा वही क्या है थर्मोमीटर फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे ठीक है जब हीटिंग देंगे तो क्या होगा धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा आपको पता है ये तो बहुत सिंपल सी बात है ठीक है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा तो एक टेम्परेचर आएगा तब क्या होगा ये जो वाटर है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो बच्चों ये क्या होगा अब हमारा ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई थी वो क्या थी मेल्टिंग पॉइंट थी यहाँ पे हमारा वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा ये क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ठीक है फिर बच्चों क्या होगा बॉयलिंग पॉइंट आएगा ये वाटर किस में कन्वर्ट होने लगेगा वेपर्स में है ना और वही करेंगे हम क्या टेम्परेचर को नोट करेंगे ठीक है तो इसे समझते हैं बच्चों देखिए वैन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर जब हमने वाटर के पार्टिकल को हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया तो क्या हुआ उसके पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है पढ़ चुके हैं हम ठीक है ना टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है पार्टिकल्स की ठीक है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है एट अ सर्टेन टेम्परेचर पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और एक टेम्परेचर आता है जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं ठीक है भाई लिक्विड में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना सॉलिड से कम है लेकिन गैसेस से तो ज़्यादा है ठीक है तो अगर वाटर की वेपर्स बननी है लिक्विड से गैस बनना है तो क्या करना पड़ेगा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ख़त्म करना पड़ेगा बिल्कुल है ना ऐसा ही होता है तो एक टेम्परेचर आएगा जब पार्टिकल्स इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे इतनी हीट उनमें आ जाएगी कि वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे और ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी ठीक है एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इट्स स्टेट और इस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो अपनी स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो बच्चों बिल्कुल यहाँ से बात समझ में आ गई है आपको कि स्टेट चेंज होने के लिए एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत है है ना वो हीट हमने देख ली थी क्या है लेटेंट हीट है ठीक है अब हम स्टेट चेंज करा रहे हैं कौन सी वाटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर्स में है ना लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोसफेयरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट वही है बच्चों बिल्कुल मॉइल मेल्टिंग पॉइंट जैसी ठीक है वहाँ पे हमारे सॉलिड ने मेल्ट होना स्टार्ट किया था यहाँ पे हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करेगा एट एटमोसफेयरिक प्रेशर ठीक है ये क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है ओके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है बच्चों हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और वी कैन से थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन ठीक है बच्चों ये याद रखेंगे हम ओके अब आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर हम वही ऑब्जर्वेशन होगा हमारा क्या कि अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर जब जैसे ही वाटर से वेपर बनना स्टार्ट हुई जो टेम्परेचर आ गया हमारा बॉयलिंग पॉइंट आ गया जब तक की सारी वेपर्स नहीं बन जाती हैं हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा इनक्रीज नहीं होगा ठीक है इट मीन्स वही आ गया यहाँ पे क्या हमारी लेटेंट हीट है ये जो हीट है गई कहाँ क्यों नहीं इसने टेम्परेचर बढ़ाया क्यों क्योंकि ये काम आ गई कहाँ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में पार्टिकल्स के बीच में ठीक है तभी वो लिक्विड से कौन से स्टेट में चेंज होंगे गैसेस स्टेट में क्योंकि हमें पता है कि गैसेस स्टेट में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होता है ठीक है बच्चों तो यहाँ पे हम सीधे बात करते हैं क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ठीक है लेटेंट हीट हमने समझ ली है दोनों ही केस में लेटेंट हीट सेम रहेगी है ना फ्यूजन के केस में भी लेटेंट हीट है और यहाँ जो हमारा तो यहाँ पे भी क्या है, हमारी है। बस अब डिफरेंस क्या हो गया वहां हीट ऑफ वेपोराइजेशन ठीक है बच्चों इसको समझिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड वही है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन किलोग्राम ऑफ लिक्विड इन गैस यहाँ पे हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों गैस में ठीक है वहां पे हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था ठीक है तो वही वन किलोग्राम ऑफ लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू गैस एट एटमोस्फियर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ठीक है तो बच्चों क्या डिफरेंस आया है बस यहाँ पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या है बॉइलिंग पॉइंट है ठीक है वन किलोग्राम अमाउंट वही है बस यहाँ पे सॉलिड की जगह क्या है लिक्विड है और यहाँ पे लिक्विड की जगह क्या आ गया है गैस आ गया है ठीक है जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखा था वहां पे यहाँ क्या था सॉलिड इनटू लिक्विड था और यहाँ पे क्या है लिक्विड इनटू गैस है ठीक है वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था यहाँ पे क्या आ गया है बॉयलिंग पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है ये भी हम बिल्कुल याद रखेंगे ठीक है ये हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ठीक है अब इसी के साथ बच्चों एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ जो आपको पता होना चाहिए ठीक है देखिए वाटर वेपर एट 373 सेवनटी थ्री कैलविन ठीक है ये 373 सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर क्या है अभी हमने देखा वाटर का बॉयलिंग पॉइंट है है ना इस पॉइंट पे आके वाटर क्या हो रहा है बॉयल हो रहा है ठीक है तो बच्चों इस टेम्परेचर पे मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपके पास थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन का एक वाटर है थोड़ा और उसी टेम्परेचर की क्या है वेपर्स है है ना तो आप बताओ कौन सी चीज़ ज़्यादा डेंजरस हो सकती है आपको ज़्यादा बर्न कर सकती है बर्न हो सकता है ना गर्म पानी से बिल्कुल बॉयल होते हुए वाटर से तो बॉयल होता हुआ एक वाटर है और हम कह सकते हैं कि उस बॉयल होते हुए वाटर की क्या है वेपर है तो क्या चीज़ ज़्यादा डेंजरस होगी तो आपका हो सकता है जवाब हो कि मैम बॉयलिंग वाटर लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है जो ये वेपर्स है ना 373 सेवेंटी कैलविन वाली वो ज़्यादा डेंजरस है क्यों है अभी समझते हैं हम हम पढ़ आ रहे हैं ठीक है बस इसको कनेक्ट करना है जो वॉटर है 373 Kelvin पर, उसमें मोर एनर्जी है मोर हीट है बच्चों हीट भी क्या है एनर्जी की फॉर्म है ठीक है देन वाटर इसी टेम्परेचर पे वाटर और इसी टेम्परेचर पे वाटर वेपर तो किसमें एनर्जी ज्यादा है वॉटर वेपर में ठीक है क्यों बिकॉज पार्टिकल ऑफ वेपर पर्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन जो वेपर्स के पार्टिकल्स है ना उनमें क्या है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आप भूल गए हो ठीक है ये भी उसमें प्रेजेंट है तो बच्चों ये जो वेपर है अगर ये हमें बर्न करती है तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस ठीक है इस वाटर से ज़्यादा डेंजरस क्या है ये वाटर वेपर्स हैं ठीक है बच्चों ये हो गई बात अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया है ठीक है अब उससे हम एक पिक्चर ये समझते हैं ये वही हमारा चल रहा है क्या स्टेट की चेंज हो रही है ठीक है ओके okay. तो देखिए बच्चों ये सॉलिड है ये लिक्विड है ये गैस है यहाँ पे हम तीन स्टेट्स की ही बात कर रहे हैं अभी है ना बाकी रिमेनिंग हमारी दो स्टेट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है तो देखो बच्चों सॉलिड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है क्या था ये फ्यूज़न था हम बढ़कर आए हैं ठीक है, है बच्चों ओके okay. फिर मैं आपसे कहूँ कि लिक्विड को हम वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या है बच्चों ये हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन ठीक है ये टर्म हमें पता होनी चाहिए समझनी चाहिए हमको ठीक है ना फिर बच्चों लिक्विड से हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्या गैस ठीक है तो बिल्कुल आपको पता है क्या है भाई वेपराइजेशन है ठीक है ये देख लीजिए फिर बच्चों गैस को हमने कूल cool करके क्या बना दिया फिर से लिक्विड ये क्या था मैंने आपको बताया था ना कंडेंसेशन ठीक है हम अभी इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और इधर देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है सॉलिड सॉलिड को हमने हीट किया ये गैस में बदल गया डायरेक्ट ये कुछ नया आ गया आ गया ना बच्चों हमने क्या देखा था भाई सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है फिर लिक्विड से गैस बनता है ऐसा ही होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ डिफरेंट हो रहा है सॉलिड को जब हम हीट कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या बन गया बच्चों गैस बन गया इसको क्या कहते हैं सब्लिमेशन ठीक है और फिर जब गैस को कूल cool किया तो डायरेक्ट बन गया क्या सॉलिड इसे कहते हैं डिपोजिशन ठीक है तो बच्चों ये कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिनमें ये वाली प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो बच्चों इनमें कुछ टर्म आई है वो हम देखेंगे वेपराइजेशन भी हम देखेंगे ठीक है ना कंडेंसेशन की भी हम बात करेंगे फ्यूजन की बात हमने कर ली है सॉलिडिफिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है हमने क्या किया लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया और ये सब्लिमेशन की भी हम बात करेंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों देखिए ये आ गया हमारा क्या कंडेंसेशन ठीक है द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्नस इंटू अ लिक्विड ठीक है क्या प्रोसेस जिसमें गैस को कूल cool करके किस में कन्वर्ट कर लिया है लिक्विड में ठीक है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इस कॉल्ड कंडन किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमने क्या किया गैस को कूल करके फिर से उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया है ये प्रोसेस क्या है बच्चों कंडन है ठीक है कंडन और लिक्विड फैक्शन ओके बच्चों इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ठीक है और इसका एग्जाम्पल देखना है आपको अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल आप कर सकते हो एक छोटी सी एक्टिविटी क्या करना बच्चों एक टी बॉट लेना उसमें वाटर बॉइल करना बॉयल होने लग गया ठीक है फिर फ्लेम बंद कर देना और जो वेपर्स है ना बन रही है वेपर्स ठीक है दिख रही है आपको वेपर्स है ना आ, भाप निकलती दिखती है ना ठीक है तो वेपर्स दिख रही है आपको फिर क्या करना उसके ऊपर एक कूल cool, एक प्लेट रख देना उस पर क्या है आइस है वो प्लेट कैसी है बच्चों कूल cool है ठीक है तो वेपर्स अब उस कूल cool प्लेट के कॉन्टेक्ट में आएंगी तो हमने क्या कर दिया वेपर्स को कूल cool कर दिया ठीक है उसके थोड़ी देर बाद आप उस प्लेट्स को उठा प्लेट को उठाकर जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि प्लेट के नीचे छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स आ गई हैं भाई कहाँ से आ गई ये ड्रॉप ये ड्रॉप्स क्या थी बच्चों जो हमारी वेपर्स बन रही थी वो क्या थी वेपर फॉर्म में थी जैसे ही वो इस कूल प्लेट के कॉन्टेक्ट में आई तो वो क्या हो गई कूल हो गई और हो गई क्या, क्या? कंडेंस ठीक है और बदल गई किस में वाटर के ड्रॉप्स में तो ये क्या हो गया बच्चों कंडेंसेशन हो गया ठीक है और इसी तरीके से हमारे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है वो कंडेंसेशन ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बच्चों सब्लिमेशन ओके ये आ गया अभी हमने देखा था ना क्या सब्लिमेशन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम टू गैस इन टू लिक्विड स्टेट क्या है बच्चों कि स्टेट का जो है किसी भी सब्सटेंस के स्टेट चेंज हो रही है कैसे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो रही है लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है ठीक है और वाइस वर्षा वाइस वर्षा मीन्स क्या बच्चों की अगर हम गैस को रिवर्स करें तो गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में गैस को कूल cool करें तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट नहीं आएगी तो ये वाला प्रोसेस क्या होता है बच्चों ये होता है हमारा सब्लिमेशन ठीक है आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है बच्चों सब्लिमेशन की वो भी हम समझेंगे टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड एक्टिविटी देखिए क्या है कुछ कैम्फर कैम्फर क्या होता है बच्चों कपूर ठीक है ये भी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और अमोनियम क्लोराइड ठीक है इसका कॉमन नेम होता है नौसादर ये भी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं दोनों ठीक है तो इनमें से कुछ भी हम ले सकते हैं क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश पुट एन इनवर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व ठीक है बच्चों क्या करना है एक चाइना डिश में कुछ कैंफर ले लेना या अमोनियम क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं हम ठीक है फिर क्या करना है उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख देनी है ठीक है और फनल की जो स्टैम्प होती है ना बच्चों वहां पे लगा देना है कॉटन प्लग भाई क्यों लगा देना है अगर नहीं लगाओगे तो सारी पेपर तो उड़कर चली जाएंगी एटमोसफियर में मिल जाएंगी ठीक है तो इस हम पिक्चर से समझते हैं बच्चों ये जो मेथड है ये हम आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो सेपरेशन टेक्निक्स है वहाँ पर भी देखेंगे डिटेल में ठीक है तो बच्चों इसको यहाँ समझ लेते हैं हम पिक्चर से ये चाइना डिश है इसमें हमने ले लिया क्या बच्चों कैंफर ठीक है कैंफर होता है बच्चों कपूर घर में भी आप देखना ठीक है ना कपूर की छोटी छोटी सी टिक्किया के फॉर्म में भी वो मिलता है अगर आप उसे खुला छोड़ दोगे गेन वहाँ में तो वो क्या होगा थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा ही नहीं गायब हो जाएगा तो वो कहाँ चला गया कहाँ चला गया कोई जादू थोड़ी हो गया वो क्या हुआ बिटो वो सब्लीमेबल है ठीक है ना वो रूम टेम्परेचर पे भी उसको इतनी हीट मिल जाती है कि वो डायरेक्ट गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे हमने पाउडर फॉर्म में लिया है उसको फिर हमने क्या किया हीट देना स्टार्ट किया ठीक है हीट देंगे तो क्या होगा डायरेक्ट गर्म हुआ वो लेकिन वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या प्रॉपर्टी है सब्लीमेशन की वो डायरेक्ट बन जाएगा क्या वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा कैम्फर की वेपर्स ठीक है बच्चों यहाँ पे हमने अब लगा दिया कॉटन प्लग इसीलिए लगा रखा है क्योंकि ये वेपर्स निकल के नहीं तो कहाँ चली आती बाहर चली आती ठीक है ना फिर क्या हुआ बच्चों ये वेपर्स जब ऊपर जा रहे हैं तो ये जो हमारी फनल का ये जो स्टैम्प वाला पोर्शन है यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम है ठीक है हीट यहाँ पर ही है ज़्यादा स्लोली हीट कर रहे हैं हम उसको ठीक है यहाँ पर हीट नहीं है ज़्यादा तो वो जो वेपर्स हैं इससे टकरा कर क्या हो जाती हैं कूल हो जाती हैं और यहाँ पर फिर वो इस तरीके से चिपक जाता है डिपॉजिट हो जाता है ये देखिए सॉलिडिफाइड कैम्फर ठीक है तो ये बन गया क्या कैम्फर मिल जाता है हमको फिर ठीक है तो ये क्या प्रॉपर्टी है बच्चों ये है सब्लिमेशन ओके सो है इज नाउ अब हम कर लेते हैं समराइज ठीक है rice, तो बच्चों इस पार्ट में हमने क्या बात की इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है जो मैटर की स्टेट्स हैं उनमें क्या होना कन्वर्जन होना चेंज होना ठीक है हमने देख लिया था इसका एक एग्जाम्पल क्या है हमारा वाटर जो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है आइस सॉलिड है वाटर लिक्विड है एंड वाटर वेपर क्या है गैस है ठीक है और इनके बीच में चेंज हो सकता है इंटर कन्वर्जन हो सकता है हमने देख लिया था ठीक है आइस को हीट कीजिए लिक्विड में बदल जाएगा लिक्विड को कूल cool करो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है लिक्विड जैसे हमारा वाटर है लिक्विड को हीट करो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों वेपर में है ना और वेपर को फिर से ठंडा करो कूल cool करो कंडेंस करो किस में बदल जाएगा लिक्विड में ठीक है तो ये हो गया बच्चों क्या चेंज फिर हमने क्या देखा बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट चेंज ठीक है स्टेट चेंज पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ठीक है इसके लिए हमने बच्चों एक एक्टिविटी की थी एक बीकर में हमने आइस ले लिया उसमें हमने थर्मोमीटर लगा दिया है ठीक है तो क्योंकि हमको क्या नोट करना है टेम्परेचर नोट करना है ठीक है फिर उसको हीट करना स्टार्ट किया ठीक है ना जब आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट किया तो हमने टेम्परेचर नोट कर लिया और वो हमारा क्या है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट है ठीक है आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 273.16 केल्विन हम याद रखेंगे ठीक है ना बच्चों फिर हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की हमने देखा कि जब आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट किया और जब तक पूरी आइस मेल्ट हो गई कन्वर्ट हो गई वाटर में तब तक टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ कोई राइज नहीं आया है इट मीन्स टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ जबकि हम हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं तो उसका कंक्लूजन क्या देखा हमने कि हमने कंक्लूजन देखा कि जो ये जो हीट थी ये कहाँ काम आ गई स्टेट चेंज में काम आ गई है ठीक है ये जो हीट थी ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहे हैं उनको ब्रेक करने के काम में आ गई है और इसे हमने क्या कहा था ये क्या है बच्चों लेटेंट हीट है ठीक है ये हिडन हीट है पार्टिकल्स के बीच में ठीक है इसलिए क्या है ये लेटेंट हीट ठीक है फिर हमने बच्चों देखा बात की क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ठीक है फ्यूजन क्या है बच्चों हमने समझ लिया था सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो रही है किसमें लिक्विड में इसे का एक और नाम क्या था फ्यूजन था ठीक है एट अ गिवन टेम्परेचर और वो टेम्परेचर क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है बच्चों लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन क्या है बच्चों हीट रिक्वायर्स फॉर क्या कन्वर्ट करने के लिए कि इसको वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड एट इट्स एटमोस्फेयरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट ठीक है इज कॉल्ड लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन क्या है लेट एट हीट ऑफ फ्यूजन वन किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमोसफेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट जो हीट चाहिए वो क्या है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है ठीक है इसी तरीके से बच्चों हमने फिर आगे एक्टिविटी को दोबारा देखा और क्या देखा कि अब हम वाटर को गर्म कर रहे हैं ठीक है वही हम उसको हीट दे रहे हैं और क्या होगा एक पॉइंट आएगा जब वाटर के मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में और ये टेम्परेचर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ठीक है कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 सेवेंटी ठीक है बच्चों इस टेम्परेचर पर आकर वाटर जो है वो वेपर में बनना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और वही हमारा ऑब्जर्वेशन होता है यहाँ पे भी क्या जब तक वेपर कंप्लीटली वेपराइजेशन नहीं हो जाता टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वेपराइजेशन की लेटेंट हीट क्या है हीट रिक्वायर्स टू कन्वर्ट वन किलोग्राम ऑफ वाटर इन गैस ठीक है ना एट इट्स एटमोसफेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट ठीक है लेटेंट हीट ऑफ एपराइजेशन क्या है बच्चों की वो हीट जो वन किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए काम आ रही है उसके एटमॉसफेरिक प्रेशर पे और बॉइलिंग पॉइंट पे ठीक है बच्चों ये बात हो गई फिर बच्चों हमने क्या देखा हमने कुछ और टर्म देखी कंडेंसेशन की बात हमने की और हमने बात की सब्लिमेशन की ठीक है कंडेंसेशन क्या है बच्चों नथिंग कुछ भी नहीं जो वाटर वेपर्स हैं उनको कूल cool करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या है कंडेंसेशन ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या था फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ठीक है ना बच्चों और फिर हमने लास्ट क्या देखा सब्लिमेशन सब्लिमेशन क्या है बच्चों कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हीट देने पर क्या होता है सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट चले जाते हैं गैशियस स्टेट में लिक्विड स्टेट नहीं आती है ठीक है और वाइस वर्सा या हम कहें कि स्टेट से कूल करने पर डायरेक्ट आ जाते हैं किसमें सॉलिड स्टेट में इसे क्या कहते हैं बच्चों सब्लिमेशन ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा कैम्फर है और अमोनियम क्लोराइड है ठीक है ये एक्टिविटी हमने देख ली थी बच्चों इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ओके सो है अपट इज नाउ कम्प्लीटेड कीप रिवाइजिंग थैंक यू